नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी में 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। चर्चित मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में एक बार फिर से 1 लाख के इनामी अजय यादव का एनकाउंटर किया गया है। अजय के पैर में गोली लगी है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुए सराफा व्यवसायी डकैती कांड के बाद से अजय यादव चर्चा में आया था। इसके बाद से उसके पीछे जिले की पुलिस व एसटीएफ की टीम लगी हुई। यादव के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत मोइली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में यह एनकाउंटर हुआ। सूत्रों की माने तो बदमाश के पैर में 2 गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को यह सराफा व्यवसायी डकैती कांड में जिले की पुलिस व एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामिया अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बदमाश के पैर में 2 गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पुलिस ने जौनपुर जिले में 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।